Hello everyone, welcome to Real Time. Power of Biometric. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रियल टाइम बायोमेट्रिक्स T52F+ मॉडल को हम क्लाउड सॉफ्टवेयर में कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो क्लाउड सॉफ्टवेयर में कनेक्टिविटी के लिए भी हमें मेनू प्रेस करके सबसे पहले कॉम में जाना है। कॉम के अंदर जो सबसे पहला और मेजर चेंज है वो चेंज करना है क्लाउड सॉफ्टवेयर के लिए, वो है हमारा मोड। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के लिए तो हम लोकल यूज़ करते हैं, लेकिन जब भी हम क्लाउड सॉफ्टवेयर में डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो मोड हमें हमारा इंटरनेट सेलेक्ट करना होगा। जो भी हमारा मोड है वो मोड हमारा इंटरनेट होगा। उसके बाद लैन या वैन के थ्रू हम डिवाइस को इंटरनेट दे सकते हैं, जो भी हमें डिवाइस को इंटरनेट देना होगा, चाहे हम वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर लें डिवाइस को, या फिर हम लैन या ईथरनेट के थ्रू डिवाइस को इंटरनेट दे दें। इसके बाद हमें सर्वर सेट में जाना है। सर्वर सेट के अंदर देख सकते हैं हमें सर्वर आईपी, सर्वर पोर्ट, ये दो चीज़ें मिलेगा। तो सर्वर आईपी हमें सर्वर से ही मिलेगा। जो भी हमारा सर्वर आईपी होगा वो हमें सर्वर आईपी यहीं पर इंसर्ट करना है, जो भी आपका सर्वर आईपी होगा। हम यहाँ मेनू बटन प्रेस करके बैक कर सकते हैं। अगर हमें टाइप करना है, जैसे अभी अगर हम टाइपिंग स्टार्ट कर दें तो ये हमारा अल्फ़ाबेट्स टाइप हो रहा है। अगर हमें कैरेक्टर चेंज करना है तो हम पावर वाला जो बटन है, इस बटन को प्रेस करके कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं। जो भी हमारा सर्वर आईपी होगा वो हम सर्वर आईपी यहीं एंटर करेंगे। या अभी अगर हमें जैसे डॉट लगाना है तो डॉट के लिए हमें एक बार कैरेक्टर चेंज करना है। उसके बाद जीरो वाला जी या जो स्पेस वाला बटन है, इसे हम दो बार प्रेस करेंगे। जैसे प्रेस करेंगे वो डॉट लग जाएगा। 103 के बाद अब अगर हमें 121 टाइप करना है तो हमें वापस से पहले तो नंबर वाले पे जाना होगा और 121 टाइप करना है, फिर कैरेक्टर पे जा करके दो बार स्पेस करना है। उसके बाद हमें वापस नंबर लेकर के 236 टाइप किया, उसके बाद 121। तो ये हो गया हमारा सर्वर आईपी। ऐसे ही हमारा सर्वर पोर्ट हमें यहाँ इंसर्ट करना है। जब भी हम डिवाइस को सॉफ्टवेयर में ऐड करेंगे हमें यहीं से सर्वर पोर्ट भी मिल जाएगा, तो हम यहीं पर सर्वर पोर्ट एंटर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में जब भी हम जैसे ही डिवाइस सेलेक्ट करेंगे, सीरियल नंबर डालेंगे, हमें सर्वर पोर्ट वहाँ से मिल जाएगा। जो भी सर्वर पोर्ट हमें मिलेगा वही सेम सर्वर पोर्ट हमें सॉफ्टवेयर के अंदर या डिवाइस के अंदर यहाँ इंसर्ट करना होगा। ये हमारा सर्वर पोर्ट हो गया। एस्केप बटन प्रेस करके जैसे आप ओके करेंगे वो सेव हो जाएगा। एक बार ये सेव हो जाएगा तो क्लाउड सॉफ्टवेयर में कनेक्टिविटी के लिए हमें सिर्फ दो तीन चीज़ें ध्यान देनी है। एक तो ये हमारा मोड, इंटरनेट, सर्वर का आईपी, सर्वर पोर्ट, और तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका डिवाइस इन्फो के अंदर से सीरियल नंबर। जो भी आपका सीरियल नंबर होगा, ये सीरियल नंबर करेक्ट सॉफ्टवेयर में एंटर होगा तो ही डिवाइस सॉफ्टवेयर में कनेक्ट होगी।